शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहते ही राहते। नहीं आकांक्षा, सपने ऐसे पूरे नहीं होते बेटा। अगर तुम इसे ही मेहनत कहती हो तो तुम्हें सपने देखने का कोई हक नहीं। इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी एक ही चीज है और वो है तुम्हारा सपना जो तुम्हें पूरा करना है, समझे? आर्मी ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। चलो आज का टारगेट पूरा करो और 5 किलोमीटर दौड़ना है तुम्हें। कम ऑन, चलो। शाबाश, ऐसे ही बेटा, बहुत बढ़िया। और तेज बेटा, फास्ट फास्ट और फास्ट। आंसू पूरे 4 मिनट पिछड़ गए। कल ही होंगे पापा। पक्का? पक्का। ले पानी पे। पापा आज तो बहुत लेट हो गया। हाँ बेटा, लेकिन घर जाके भी तेरी ट्रेनिंग भी तो करनी है। पर आप ऑफिस के लिए लेट नहीं होंगे? पर तू उसकी चिंता मत कर बेटा, तुझे आज का टारगेट याद है ना? हाँ, आप टेंशन मत लो, हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, हम जरूर अच्छा करेंगे। शाबाश बेटा, घर चल के ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, मम्मी तो आज बहुत चिढ़ेगी पापा। लेकिन उसका चिढ़ा हुआ चेहरा देख के मजा बहुत आता है ना। है? नाश्ता मिल जाए बस। हाँ ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ये हुई ना बात, अब हुई आज की ट्रेनिंग पूरी। शाबाश शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। बेटा मुझे वो दिन साफ दिखाई दे रहा है, अब वो दिन दूर नहीं। हाँ पापा, मुझे भी यही लगता है। और अब अगला पदक प्रदान किया जाएगा मिस आकांक्षा गुप्ता को, जिन्होंने भारतीय सेना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
चाहते हैं कि मिस आकांक्षा को ये पदक उनके पिता श्री रवि गुप्ता के हाथों मिले। पापा, आपको मुझ पर गर्व है ना? हाँ बेटी, बहुत गर्व है। लोग कहते हैं कि बेटी पैदा होने से बाप के कंधे झुक जाते हैं, पर मैं कहता हूं कि जिसकी तुम जैसी बेटी हो उस बाप का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और आज तूने मेरा सपना पूरा करके मेरा सर भी फक्र से ऊंचा कर दिया है। मुझे तुझ पे बहुत गर्व है बेटा, बहुत गर्व। आप बेटी का सपना देखना पूरा हो गया तो नीचे आ जाओ, देर हो रही है। मेरे सपने तो गए, अपने ही सपनों में लगे पड़े दोनों बाप बेटी। मैडम जी, एक बार हमारी बिटिया को आर्मी अफसर बन जाने दीजिए, फिर आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। और देखना, हमारी बिटिया के लिए इतने रिश्ते आएंगे कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि उसमें से कौन सा चुने। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है, और तुम्हें आर्मी के एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करनी है। जल्दी आ जाओ नीचे और तैयार हो जाओ ताकि मैं नाश्ता लगा सकूं। चलो, आपकी माताजी का आ गया बुलावा, चल। ट्रेन कैंसिल हो गई है प्लेन से? आप आओ, 10,000 दे दीजिए, आपका टिकट करवा देता हूँ। 10,000 रुपए? आपका हाथ बढ़ा देती हूँ। तू रहने दे, वरना तेरे पापा जो है ना वो मुझे ताने मारेंगे कि तुम्हें पढ़ाई करने के समय पे ऐसे काम कराना होता है ना? समय बड़ा कीमती होता है, उसके महत्व को समझो। किचन के काम सीखने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, वगैरह वगैरह, है ना? हाँ, अरे मेरी बात भी तो सुन जाइए आप मैडम जी। हाँ जी। वैसे आपने सही कहा, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है, लेकिन आप हमारी बिटिया को बिल्कुल कम मत आकिए। वो पढ़ाई के साथ साथ आपके काम में भी हाथ बढ़ा सकती है। Am I right? Yes, पापा। Yes। ठीक है ठीक है, माल आइए। कुछ करना ही है ना, तू जा अपने आलसी सी बहन को जाके उठा, जा। अरे अभी तक सो रही है, मुंह पे जाके पानी मार जल्दी से। वही करना पड़ेगा, नहीं तो वो उठेगी नहीं। आप नीचे खाइए। आप भी तो आइए। आप खाइए। अपेक्षा, तेरा ये रोज का है, कितनी देर सोएगी? अपेक्षा, अपेक्षा उठो। पिक्षा, वो गुलाब जामुन एक और देना, और वो मलाई बर्फी, हाँ खाने दे, बस आकांक्षा को मत बताना। ओ, सपने में लड्डू पेड़े खाए जा रहे हैं। खाओगी? जलेबी? हाँ, रोटी के साथ। मेरे हाथ से खाओगी? जल्दी लाना, भूख लगी है। आ करो। दीदी, ये क्या किया आपने? मेरा कपड़ा सारा गीला कर दिया। और मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। पकड़ के तो दिखा। हाँ, पकड़ के तो दिखा, पकड़ हाँ? के तो दिखा। उसे एक बात बताएं हम आपको, आपके पनाठों में वो बात नहीं रही जो पहले थी। आजकल तो अक्की बहुत अच्छे पराठे बनाती है आपसे। अच्छा जी,
तो फिर कल से ना अक्की बनाएगी आपके लिए पराठे। मैं चली मायके। कब जा रही हो? जा रही हूँ मैं। अरे सुनो तो सही, तुम्हारी यही अदा देखने के लिए तो हमारा मन बेचैन था। तुम लूटती हो ना तो देखो हमारी दिल की धड़कने कितनी बढ़ जाती है। देखो। अच्छा जी, ये धड़कना मेरे लूटने की अदा की वजह से या मेरे मायके जाने की खुशी में? सब समझती हूँ मैं। अरे तुम क्या समझती हो, जरा हमको भी तो ये समझा दो ना। अब छोड़िए आप मुझे। क्यों छोड़िए? समझो अकी। अच्छा हमसे ही छोड़ कहानी है? नहीं नहीं नहीं, छोड़ 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 छोड़, नहीं छोड़ूंगी मैं। दीदी दीदी छोड़ो, डालेगी पानी डालेगी। दीदी छोड़ो ना, ये हमारी अफसर बिटिया का दाव और करो पानी फेंको। जी छोड़ो ना। छोड़ दो छोड़ दो, सरेंडर कर दिया, छोड़ दो। अब तुम सब का हो गया तो नाश्ता करें हम लोग। हाँ मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे ब्रश तो कर लो, शेर भला ब्रश करता है? ये चूहे जैसा शेर है? अरे वो पापा की थाली है। अरे खा ले तो। हाँ रुक। अरे फोन। अरे नाश्ता। हाँ मैं देख तो रूं पहले। फोन देना। हेलो। हाँ रवि जी नमस्ते। हाँ ललित नमस्ते, बोलिए। आपके टिकट्स तो आ गए हैं लेकिन ये गांव में दंगे फसाद के वजह से आपके ट्रेन कैंसिल हो गई है। ट्रेन कैंसिल हो गई है? तो फिर आप दूसरे दिन की टिकट करवा दीजिए किसी और रूट से। हाँ उस रूट के सारे ट्रेनें कैंसिल हो गई है। सारे रास्ते बंद है तो फिर ललित जी हम कैसे जाएंगे? हाँ फिर तो एक ही रास्ता है, आप लोग फ्लाइट यानी प्लेन में चले जाइए। प्लेन से? जी हाँ, आप और 10,000 दे दीजिए, आपका टिकट करवा देता हूँ। 10,000 रुपए? जी। ठीक है ले लीजिए, आप टिकट करवाइए प्लेन से, मैं कल शाम तक आपको 10,000 पहुँचा दूँ। ठीक है नमस्ते। ये 10,000 की क्या बात हो रही थी? वो जिस ट्रेन से हम लोग चेन्नई जा रहे थे ना, वो ट्रेन कैंसिल हो गई, अब हमें प्लेन से जाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। देखने इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? जी मैं तो अभी भी कहती हूँ, क्या जरूरत है चेन्नई लेने जाने की? तुम चिंता मत करो इतना, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। लेकिन कैसे? पहले 30,000 का कर्जा हमारे सर पर, ऊपर से हमने सेठ जी को घर का किराया तक नहीं दिया। सेठ जी तो पैसे देने से रहे ना। तुम्हें मालूम है कि मैं सेठ जी से पैसे नहीं मांगूंगा। तो फिर अरे अगले महीने की तनख्वाह ऑफिस से एडवांस ले लूंगा। तनख्वाह एडवांस ले लेंगे तो अगले महीने घर कैसे चलेगा? मैं कहती हूं क्या जरूरत है इस लड़की को अपने हैसियत से बड़े सपने देखने की, और क्या जरूरत है आपको इसे बढ़ावा देने की? जरूरत है, जरूरत है रत्ना। मेरी बेटी वो जिंदगी नहीं जिएगी जो हमने जीती, किसी पिटी मर मर के घुट घुट के। मेरी बेटी अफसर की जिंदगी जिएगी, खुशहाल जिंदगी जिएगी जो हमारे नसीब में नहीं। मेरी तरह से नहीं जो जिंदगी पर लोगों को सलूट मारता है, लोग इसे सलूट मारेंगे। उसको मान सम्मान देंगे। देखिए मैं तो इतना ही कह रही हूं, जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अभी तो आप बस अक्की का सोच रहे हो, लेकिन हमारी अप्पू भी तो है, उसके सपने उसकी जिंदगी, इन दोनों की शादी भी तो करनी है हमने। हम ये खर्चा नहीं कर सकते। ये कैसी बातें कर रही हो रत्ना? तुम जानती हो ना इस इम्तिहान के लिए अक्की ने कितनी मेहनत की है, और इतना आगे जाने के बाद हम पीछे हट जाए? अगर इस बार इम्तिहान नहीं दिया तो बात और 6 महीने आगे बढ़ जाएगी। बस हम कल जा रहे हैं। ठीक है जाइए आप। आपको क्या फर्क पड़ता है कि आपके जाने के बाद ये घर कैसे चलेगा?
अप्पू का क्या होगा, मेरा क्या होगा? आप बस अपने और अक्की के सपने के बारे में सोचिए, बाकी हम सब गए भाड़ में। ये क्या बोले जा रही हो रत्ना तुम? आज तक मैंने घर नहीं चलाया, दिन रात मेहनत करके जो भी कमाया तुम्हारे हाथ में लाके रखा। आपकी कमाई है ही कितनी? आपने कभी सोचा है कि आपकी इतनी सी कमाई में घर कैसे चलाती हूँ? अब वो कमाई भी अब मैं और परेशानी नहीं सह सकती। तो मत सो, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो करने दो। पापा करिए, जो करना है करिए, कर दीजिए घर को बर्बाद, क्या फर्क पड़ता है? बर्बाद? हाँ हाँ बर्बाद। तुमसे तो बात करना बेकार है, मैंने कह दिया हम कल जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। तुम्हारी ना समझी की बातों में अपने बच्ची का भविष्य बर्बाद कर दूं? मुझे पता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो हम सबकी भलाई के लिए कर रहे हो, और वो सही भी है। मत सोचो, अगर मेरा सपना अधूरा रह जाएगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मैंने कह दिया हम कल जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। तुम्हारी ना समझी की बातों में अपने बच्ची का भविष्य बर्बाद कर दूं? पापा किसी गुस्से से चले गए, नाश्ता भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया। पापा पापा रुकिए, पापा आप ऐसे कैसे जा रहे हो बिना खाए? भूख नहीं है मुझे। पापा ऐसे गुस्सा होके कोई नाश्ता छोड़ के जाता है क्या? तेरी माँ ने इतना कुछ बोल दिया और मुझे गुस्सा नहीं आएगा? माँ ठीक ही तो कह रही है, अकेली मैं ही तो नहीं हूँ ना, माँ को सबकी चिंता है और आप उन्हीं पर गुस्सा हो रहे हैं। आप भी तो जानते हैं ना घर के कितने खर्चे हैं, और उस पर आप सैलरी एडवांस ले रहे हैं, अगले महीने घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ आपको या मुझे दुखी नहीं देख सकती, लेकिन उन्हें घर का भी तो सोचना है ना, ऐसे में माँ का गुस्सा होना जायज है। पापा आप सैलरी एडवांस मत लीजिए, खामखा मेरी वजह से सबको तकलीफ होगी। हो सके तो मैं अगली बार 6 महीने बाद वाले स्लॉट में ट्राई कर लूँगी। मेरे एक सप्ते के लिए आप इतनी परेशानी मत उठाइए। चुप, बिल्कुल चुप। अरे सिर्फ तेरा ही सपना नहीं है, मेरा भी सपना है। मैं तुझे आर्मी में ऑफिसर बना हुआ देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, समझी? ठीक है, पर इसमें माँ की कोई गलती नहीं है ना पापा। पर तेरी माँ इतना कुछ। पर वर कुछ नहीं, बिल्कुल चुप। अब आप ऑफिस जाइए, ये लीजिए पराठे, टाइम पे खा लेना। ओके बाबा, मैं आपका पिता हूँ या आप मेरी माँ हैं? ठीक है, ये भी लीजिए। पर एक बात तू भी याद रखेगी, आर्मी में ना जाने वाली बात मेरे सामने कही वो तो ठीक है, पर अपनी माँ के सामने बिल्कुल नहीं बोलेगी, समझी? यस पापा। मेरे बच्चे, नहीं आकांक्षा, अभी स्माइल नहीं, पहले माँ को मनाना है। माँ मेरे पापा को पराठे दे दिए, अब हम भी खा लेते हैं। लो, मुझे भूख नहीं है। माँ तुम ही कहती हो ना गुस्सा कभी खाने पे नहीं निकालना चाहिए, अब तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा ना भूख नहीं है मुझे, नहीं खाना मुझे। भगवान, मेरे को समझ में नहीं आता कि बच्चे हम हैं कि आप हो, कितनी जिद्दी हो तुम। जिद मैं नहीं कर रही हूँ, तुम कर रही हो उसे। हटो। माँ ठीक है फिर, हम भी नहीं खाएंगे फिर। परेशान हो गई मैं, तुम दोनों बाप बेटी की जिद में ना मैं परेशान हो गई। मैं नहीं खाऊंगी तो तुम भी नहीं खाओगे, और फिर बुरी मैं ही बन जाती हूँ, शायद मैं ही बुरी हूँ, सबके सपने के आड़े छुआती हूँ। माँ तुम बुरी नहीं हो, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो?
मुझे पता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो हम सबकी भलाई के लिए कर रहे हो और वो सही भी है। मत सोचो, अगर मेरा सपना अधूरा रह जाएगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? और अगर मैं आर्मी ऑफिसर बन गई तो सब कितने खुश होंगे? माँ, ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, पापा का भी तो सपना है ना। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो पापा कितने दुखी होंगे। क्या तुम पापा का उदास चेहरा देख पाओगी? अगर देख पाओगी तो चलो चलो। अरे क्या कर रही हो? चलो पापा को फोन करो और बोलो एडवांस ना ले, लो बात कर लो। अपनी माँ को दुख देकर मैं भी नहीं जाना चाहती, बात कर लो। हाँ माँ, कर लो फोन पापा को। मैं दो पराठा खाऊंगी। मुझे सब चाय, चाय मैडम। हमें भी दो भाई। अरे रवि, आज काम पे मन नहीं लग रहा है क्या? अरे कैसे लगेगा, कल बिटिया को एग्जाम के लिए निकलना है ना। सब तैयारी हो गई? सब, उसी परेशानी में हूं मैं। वो पैसों की कुछ दिक्कत है, बड़े साहब से बात कर रही है। आज बात नहीं करोगे तो अच्छा होगा। अब वैसे बड़े साहब का मूड आज कुछ ठीक नहीं है। ठीक साहब, गिव मी 10 मिनट्स प्लीज, आई विल कॉल यू बैक। क्या बात है रवि? साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आज नहीं, आज मैं बिजी हूं। माफ कीजिए साहब, लेकिन मेरा आज बात करना बहुत जरूरी है। बोलो। साहब मेरे घर में पैसों की बहुत जरूरत है, अगर अगले महीने की सैलरी एडवांस में मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होती आपकी। वो तो पॉसिबल नहीं है। साहब मेरी बेटी आर्मी में इम्तिहान देने जा रही है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। पता है सबको पैसों की जरूरत है आजकल। वैसे भी इस महीने में राजू और सक्सेना को एडवांस दे चुका हूँ, इस बार नहीं हो पाएगा। साहब मैं पिछले 24 साल से आपके ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एक बार कोशिश करके तो देखिए। सुनोगी तो तैयारी में लग जाओगी। बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए, लड़का लाखों में एक है, इसकी गारंटी लेती हूँ मैं। सच? मेरी मानो, आज ही बात करके फाइनल कर लो। मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, हम आज ही मिलेंगे। दीदी की बात तो मानो, उसके ऊपर जबरदस्ती मत करो आप। मैं जबरदस्ती कर रही हूँ? आज तक मैंने तुम बच्चों के साथ कभी जबरदस्ती की है? आप क्या चाहती है, मैं लड़के से मिल लूँ ना? ठीक है मैं मिल लेती हूँ। सच? तो मिलेगी ना लड़के से?